नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज इस स्वर्ग समारोह में पधारे सभी अवॉर्डीज, कॉर्पोरेट जगत से भी और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे विभिन्न आयामों पर काम कर रहे सभी सामाजिक कार्यकर्ता भी। आज की समारोह के मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय शालू जी, और आज हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले अमित भाई, मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज के अवसर पर, और विशेषकर अमित जी को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि उन्होंने महात्मा अवार्ड शुरू करके एक तरह से गांधी जी के जीवन के उस आयाम पर काम किया है जो उनकी सफलता का, जो भी गांधी जी ने किया उसका एक बहुत बड़ा मूल मंत्र रहा था। अभी हमने मैडम बिरला जी को सुना, उन्होंने भी जिक्र किया कि किस तरह से घनश्याम दास जी जैसे शख्सियतों को साथ लाना, उस समय के बाद भी हम बिरला शब्द यूज करते हैं तो बिरले ही थे, जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी जैसे व्यक्तित्व जो उस वक्त पैसे और फेमस और सत्ता मतलब प्रभाव उन सब शीर्ष पर रहे थे और बहुत सुखपूर्वक जिंदगी बिताते थे, उनको भी देश के आम आदमी की सेवा में, देश की राजनीतिक संघर्ष में लेकर आना ये एक बहुत बड़ा काम था। तो उस वक्त के जो सक्षम लोग थे उनको अक्षम लोगों की सेवा में लगाने का काम गांधी जी ने बहुत शिद्दत से किया। और मैं देख रहा हूँ कि अमित जी ने भी देश में, मैं आज के फंक्शन के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहा हूँ, अमित जी का जीवन भी अगर उपलब्धियों के रूप में देखा जाए, अवार्ड उनकी तरफ से एक प्रयास है, पर इस पूरे क्रम को देखें तो जब मुझे आपका ईमेल मिला और मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया कि भाई क्या है, मेरे पास भी बहुत, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बहुत ईमेल्स आते हैं, तो मैंने देख के मुझे अच्छा लगा कि सक्षम और अक्षम के बीच के इस पुल के कार्यक्रम में तो जाना चाहिए, और आपने पूरे जीवन जिस तरह से लगाया है इस पूरे काम के लिए, देश में CSR को लेकर, देश में CSR के कॉन्सेप्ट को सफल बनाने वाले आप लोगों में से आप हैं, मैं समझता हूँ गांधी जी आज होते तो इस पर जरूर काम कर रहे होते, निश्चित रूप से काम कर रहे होते, क्योंकि उस वक्त समाज और सरकारें और व्यवस्थाएं जहाँ खड़ी थी उस वक्त CSR के कानून की जरूरत नहीं थी, पर आज कानून की जरूरत है और गांधी जी होते तो निश्चित रूप से इसी पर काम कर रहे होते। तो आप सब लोगों ने समाज के क्षेत्र में जो काम करने का बीड़ा उठाया है, उस काम को सहयोग करने का बीड़ा उठाया है, उस सहयोग को चिन्हित कर, उस सहयोग को एक अलग पहचान देकर सम्मानित करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उस सबको मैं सलाम करता हूँ, उस सबको मैं आज नमन करता हूँ। आज ये कार्यक्रम हम गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कर रहे हैं, 73वीं पुण्यतिथि आज है। मैं अभी पूज्य बापू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करके ही आ रहा हूँ, और ऐसा ही मेरे मन में ख्याल चल रहा था, कुछ चर्चा भी चल रही थी कि आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे, 2 साल बाद, 1 साल बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, ये अच्छी बात है, हमको बहुत सेलिब्रेट करने की अवसर की जरूरत है। और उसी सिलसिले में किसी से भी चर्चा चल रही थी कि हमें अब सरकार के रूप में, समाज के रूप में 75वें वर्ष को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और हम उसकी योजनाएं बनानी चाहिए, उसके लिए बजट करना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ चर्चाएं चल रही थी। और उन चर्चाओं को करते हुए मेरे मन में ख्याल आ रहा था आज, क्योंकि आज ही बात हो रही थी और उसी समारोह में बात हो रही थी जहाँ मैं था, कि हम थोड़े दिन में अपनी आज़ादी की, अंग्रेजों की दास्तान से मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा दुर्योग है कि उसके ठीक 1 साल के अंदर अंदर हम गांधी जी की हत्या की थी 75वीं साल याद कर रहे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बात गांधी जी की हत्या की नहीं है, बात ये है कि हम एक विचारधारा द्वारा दूसरी विचारधारा, एक सपने द्वारा दूसरे सपने की हत्या की वर्षगांठ मना रहे हैं और आज़ादी की 75वें साल के तुरंत बाद मना रहे हैं। ये सब हमें चिंतन करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि
गांधी जी की हत्या तो एक बार हो गई, उस विचारधारा की हत्या, जिस विचारधारा ने हत्या की उस विचारधारा द्वारा लगातार हो गई, और आज के समय में सबसे ज्यादा हो गई। जिस वक्त हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करें, हम अंतरावलोकन भी करें और समाज के बीच में भी सोचें, चिंतन करें इस बात पे कि इन 75 सालों में हमने जो भी किया हो, हमने अच्छे पुल बनाए, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे IITs बनाए, IIMs खड़े किए, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपने लड़के भेज रहे हैं, लड़कियां भेज रहे हैं, जो उन कंपनियों को चला रहे हैं, लेकिन हम उस हत्या को सतत हर बार होते हुए से नहीं रोक पाए। हमारी बहुत उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को सेलिब्रेट करेंगे, हमारी यात्रा में हमने बहुत पड़ाव तय किए हैं, 75 साल में हम तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब 75वां वर्षगांठ मना रहे हो आजादी की और सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये भी याद रखना कि इस सेलिब्रेशन में भी एक कमी रह गई है कि वो जो हत्या अभी 73 साल पहले, पर उस वक्त 74 साल हो जाएगा कि 74 साल पहले जो हत्या हुई थी वो हत्या निरंतर हो रही है। एक विचारधारा द्वारा भारत के एक सपने की हत्या, किसी चंद लोगों द्वारा जो भारत के लिए कुछ सिलसिला सपना देखा गया, उस सपने द्वारा लगातार हो रही है और अभी तक हम उसको बचा नहीं पाए हैं, तो हमें उस दिशा में भी काम करना है। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ जितना मैं जान पाया, और निश्चित रूप से जो बात यहाँ अमित जी जैसे पूरी टीम यहाँ है, जिन शख्सियतों को मैं देख रहा हूँ यहाँ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जानता हूँ, सब लोग आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि हम उस भारतीयता को बचा लें, भारत के उस सपने को बचा लें, तो मैं आपको उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर दिल्ली की शिक्षा के बारे में हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में या देश में शिक्षा के बारे में बात करने वाले हम कोई पहले राजनीतिक दल या पहले व्यक्ति नहीं है, हमसे पहले बहुत लोगों ने काम किया है और बहुत अच्छा अच्छा काम किया है देश में। IITs हमने नहीं खुलवाए, हम तो जुम्मा जुम्मा 4 साल पुराने 6 साल पुराने के राजनीतिक दल हैं और 5 साल पुरानी सरकार है 6 साल पुरानी। देश में IIM हमने नहीं खुलवाए, देश में इतने शानदार कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इतने शानदार स्कूल्स हैं, वो हमने नहीं खुलवाए। वो पहले से इस देश में जब आज़ादी के बाद काम होना शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने उस पर काम किया है, उसमें नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी जी तक और उसके बाद नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक बहुत लोगों ने किया, बहुत अलग अलग तरीके का काम हुआ है। तो शिक्षा पे बात हुई है और काम भी हुआ है। एक छोटी सी कमी जो मुझे दिखी, और जब मैं राजनीति में आया तो मुझे सरकार में आके काम करने का मौका मिला, तो उस गैप को भरने का काम किया, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती है, कि अभी तक के हमारे शिक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में हमेशा इनपुट क्या रहे मैं कह नहीं सकता, इंटेंशन क्या रहे मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन आउटकम के रूप में जो दिखता है कि हमने 5% बच्चों को बहुत शानदार शिक्षा दी जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी शिक्षा के मॉडल से की जा सकती है, और 95% बच्चों को हमने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जिसका कोई अभी मॉडल नहीं है दुनिया में, इतनी घटिया इतनी बेकार कि ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति ठीक से पढ़ नहीं सकता, एक चिट्ठी ठीक से नहीं लिख सकता, हमने वैसी शिक्षा भी दी वो 95% को दी, और 5% को हमने ऐसी दी कि दुनिया का किसी इंस्टीट्यूट से निकला हुआ लड़का और लड़की उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसको कम्पीट करके हमारे बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अपने 100% बच्चों को नासा में नहीं भेजा या हमने 100% बच्चों को इस लायक नहीं बनाया कि वो सबके सब जाके गूगल की नौकरियां दिला लें, वो नहीं हो सकता था, हो सकता है उतना ही जाएंगे जितने अभी होंगे, उससे और 4% 2% ज्यादा चले जाते, लेकिन हमने अपना मिनिमम बेंचमार्क तय नहीं किया। दुनिया में आज मैं जहाँ भी देखता हूँ तरक्की शुदा मुल्क जिनको हम सोचते हैं कि काश, तो मैं अपने और किसी यहाँ बैठे हुए व्यक्तिगत उस पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य भारतीय जनमानस में जो प्रेरणा का स्रोत है कि काश थोड़ा सा माहौल बन जाए, थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए तो हम उस देश में रहें, उस देश में अपने बच्चों को पढ़ने भेजें या उस देश में जाके नौकरी करें, उन देशों की आज अगर हम देखें उनके मूल में क्या है, उनके मूल में एक प्रिंसिपल मुझे दिखता है कि उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा का एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर दिया कि हमारा कोई भी बच्चा इससे नीचे की शिक्षा नहीं लेगा। हमारे शहर में, राजधानियों में, बड़े बड़े शहरों में, गांव-गांव में, आदिवासी इलाकों में कोई भी स्कूल अगर हम खोलेंगे तो इससे नीचे की शिक्षा का स्तर नहीं होगा, ये हमारा मिनिमम बेंचमार्क है। स्काई इज द लिमिट, लेकिन मिनिमम बेंचमार्क की हमारी गारंटी है, हम वहां चूक गए और इसीलिए राष्ट्र के रूप में हम फेल होते गए, इंडिविजुअल्स के रूप में हम सक्सेसफुल।
आज आप दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, शायद उसके ब्रेन, हार्ट या बैकबोन में एक भारतीय मानस काम कर रहा है। लेकिन हम सिर्फ वही रह गए। आज सामान्य भारतीय जनमानस की आप बात करिए, पढ़े लिखे लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे लोगों जैसे दिखते हैं? यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर्स की तरफ से काम करते हैं। हम जानते हैं कि कॉलेज से निकल के ग्रेजुएशन करके प्रोफेशनल डिग्रीज लेके आने वाले लोग जो नौकरी लेने आते हैं, उनमें से हमारे सामने उत्पादन में, बिक्री में या हमारे ट्रेड में कितना सहयोग देने की क्षमता है, उनकी योग्यता क्या है, वहां हम चूक है। हम दिल्ली में यही कोशिश कर रहे हैं कि 5% 10% तो अपनी तरफ से स्काई का लिमिट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बाकी का जो 90-95% है उसको भी मिनिमम एक उस पर, क्योंकि राष्ट्र उतना ऊंचा उठेगा जितना वो मिनिमम बेंचमार्क है, इंडिविजुअल्स उतना उठेंगे जितना स्काई का है। तो एक राष्ट्र के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं हम दिल्ली में कि हम हर स्कूल के बारे में मिनिमम गारंटी ले सके। मैक्सिमम हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा पाएगा, लेकिन मिनिमम इतना तो हो जाए कि वो कथा में पढ़ना सीख जाए। आठवीं नवीं में आके अगर बच्चा अपना एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहा है तो हम राष्ट्र के रूप में फेल हो रहे हैं, क्लास के रूप में फेल नहीं हो रहे हैं, हम इंडिविजुअल फेल नहीं हो रहे हैं। वहां हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग पहले नहीं है इस देश में, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, हम उसको एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पे कहें, सपना गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। गांधी जी ने देश के लिए जो सपने देखे, जो खाका बना, अभी हम उससे बहुत दूर हैं राष्ट्र के रूप में, हम सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से एक अंश शिक्षा का भी है और उस अंश पे मैं काम कर रहा हूँ, हमारी पार्टी, हमारी टीम, हमारी सरकार काम करने की कोशिश कर रही है। अगर उस अंश पे भी थोड़ा सा आगे हम बढ़ा के चला जाए तो हमारा होना सार्थक हो जाएगा, हमारा काम सार्थक हो जाएगा। शिक्षा का आधार मजबूत करने का काम थोड़ा सा पिछले 5-6 साल में दिल्ली में हुआ है, लेकिन शिक्षा को आधार बना के राष्ट्र का आधार, राष्ट्र का ढांचा मजबूत करने का काम होना भी बाकी है, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार बहुत बधाई देता हूँ। सपना मैंने जैसा कहा उसको रिवर्ड अगर मैं करूँ तो मैंने जिक्र किया कि आज भारतीय चिंतन में, भारतीय जनमानस में जो औसत चर्चा है पढ़ने लिखने को लेकर, जीने को लेकर, रहने को लेकर, एस्पिरेशंस को लेकर, वो यही है यार हमारा लड़का अगर अच्छे से ग्रेजुएशन कर लेना तो एक बार ऑक्सफोर्ड भेज देंगे, वहां से एक पीजी जरूर करवा देंगे, है ना। और जो और ज्यादा सक्षम है वो सोचने लगते हैं कि ठीक से अगर इसके स्कूल में सीबीएसई में नंबर आ जाए इसकी लड़की के, तो इसको ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कहीं भी जो दुनिया के भी एस्पिरेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भेज देंगे। और वो बहुत कई जगह हैं, ये सामान्य परिवारों में होती हुई बातचीत है जो मैंने सुनी है, हो सकता है आपने ऐसे सुनी। आइए मिलकर सपना देखते हैं, कम से कम आज के दिन जरूर देखें, और सपना देखेंगे तो उस पर सर्च करने के लिए काम भी करेंगे कि किसी दिन अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में सामान्य परिवारों में बैठे हुए लोग ये चर्चा कर रहे हों कि यार थोड़ा सा अगर ये वाला अचीवमेंट हो जाए ना तो फिर फलानी भारतीय यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें, फलाने शहर की जो भारतीय स्कूल की सिस्टम है उसको उससे पढ़ने के लिए। आज सपना देखते हैं, किसी ने सपना देखा था तो आज बहुत सारे लोग उसको सच करने पे काम कर रहे हैं। आज अगर हम समाज के रूप में ये सपना देख लेंगे तो शायद हम या हम जैसे कुछ लोग अगले पीढ़ी में उसको काम करने की दिशा में काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये चिंतन कि किसी ईगो में नहीं, किसी अहंकार में नहीं कि साहब हम अपने राष्ट्र को लेकर इस अहंकार में, अहंकार के पतन का कारण बनेगा, लेकिन जरूरत है और भारत के पास वो थाती है। आज ही किसी अखबार में पढ़ रहा था, बिल गेट्स साहब के एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू उसमें लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि सारी दुनिया ने जिस वक्त खदानों को, सारी दुनिया ने जिस वक्त रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज के रूप में देखा, भारतीय यात्रा मानवीयता की यात्रा रही है, भारतीय यात्रा मानव को मानव के रूप में देखने की यात्रा रही है, भारत की यात्रा संसाधनों को एक अलग तरीके से मानवीकरण से देखने की यात्रा रही है। अगर हम इस दम पे खड़े हो गए, अगर हमने कभी अपने आप को शिक्षा के दम पे खड़ा किया और हमने कभी इस देश को यहां लाके खड़ा कर दिया कि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों में, बड़े बड़े एशियन कंट्रीज में बैठे हुए परिवारों में ये चिंतन हो कि हमारा बच्चे को अगर हम बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए योग्यता कभी रखें और पात्रता कभी रखें तो फलाने भारतीय स्कूल, फलाने शहर की भारतीय यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे, ये ख्वाब जिस दिन हमने वहां डाल दिया उस दिन हम वास्तव में दुनिया को लीड कर रहे होंगे, संसाधनों के इस्तेमाल में भी और मानवीय मानवता के इस्तेमाल में भी। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, ये प्रयास उसी दिशा में मुझे एक कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं।
आइए मिलके और सपने को साकार करते हैं। आप सब लोगों ने और डीज ने जो काम किया है, निश्चित रूप से ये सब इंच बाय इंच, ब्रिक बाय ब्रिक उसी दिशा में उठ रहे कदम हैं। इन सबको बड़ी पिक्चर के रूप में देखेंगे तो सपना और मजेदार लगता है, और सपना मजेदार लगता है तो फिर मेहनत करना भी मजेदार लगता है। थैंक यू वेरी मच।